गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिनभर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज पंचम अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के ग्राउंड पर कबड्डी मैच खेला गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह ने बताया कि यह प्रतियोगिता 1 दिसंबर से शुरू हुई और लीग मैच का आखिरी दिन है, जो कि हर साल होता है, जिसमें 12 टीमों के 150 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज लीग मैच को पूरा कर लिया जाएगा, जो विजयी टीमें रहेंगी सोमवार को फाइनल मैच खेलेंगे। इसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं और सभी टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि विजेता टीम को 2 लाख व उपविजेता टीम को 1 लाख व तृतीय विजेता टीम को 50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 4 दिसंबर को होगा, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर कबड्डी प्रतियोगिता को देखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉक्टर आर पी सिंह ने कहा, 1 तारीख से शुरू होकर आज लीग मैच के आखिरी दिन है और आज सभी लीग मैचेस पूरे कर लिए जाएंगे और आज लीग में जो बेस्ट टीमें होंगी वो अब कल सुबह सेमीफाइनल खेलेंगी और फाइनल मैच 2 बजे से इसका आयोजन होगा, जिसमें कि विजेता उपविजेता तृतीय और चौथे स्थान पर जो टीमें रहेंगी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कृत करेंगे। विजेता को 2 लाख रुपये, उपविजेता को 1 लाख रुपये, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर जो टीमें रहेंगी उनको 50,000 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बताते हुए बहुत हर्ष का विषय कि इस बार जो 12 टीमें थीं बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, जो लोग मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और इस कबड्डी प्रतियोगिता का आनंद लें और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। सीआरसी गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसके संबंध में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सीआरसी गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ एक नई सोच व एक नई ऊर्जा के साथ समाज को नई दिशा देने के लिए, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर वर्ष एक रैली निकाली जाती है, जिससे लोग जागरूक हो सके। इसके अलावा सभी दिव्यांगजनों को शासन की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि सभी दिव्यांगजन योजनाओं का लाभ उठा सकें। आदरणीय निदेशक महोदय, आप हमारे बीच, मैं पुनः अनुरोध कर, अगर वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार को डिस्प्ले करने का काम किया है, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप लोग भी इधर आ जाइए भैया, आप लोग भी इधर आ जाइए यार, ये तो बहुत काम कर एकदम। बड़ो 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 यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर, इसमें उपस्थित इस केंद्र के जो है प्राचार्य श्री यादव साहब, पीटीएस के जुड़े हुए से सभी जवान बंधुओं और उनका नेतृत्व कर रहे हैं श्री पांडे जी, और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से हरदिल अजीज हम सभी के लिए प्यारे बच्चों और उनके अभिभावक बंधुओं, इस अवसर पर उपस्थित होने पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस संस्थान को हमारी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, सीआरसी गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव ने कहा, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो केंद्र यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित जो है दिव्यांगजन बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ जो है
एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ, नई दिशा देने के लिए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। इसमें सभी यहाँ उपस्थित जो संस्थान से जुड़े हुए, संस्था से जुड़े हुए यहाँ पर सहयोगी हैं, प्राचार्य हैं, इन लोगों के माध्यम से एक दिशा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ इस व्यवस्था में जितनी जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको भी जानकारी दे करके कि सरकारी योजनाएं हैं और इससे जुड़े हुए जो सरकारी विभाग हैं, संस्थाएं हैं, वो पूरी के पूरे तरीके से जो है एक समर्पित भावना से होकर के इन दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें, इसी कार्यक्रम के जो है संपादित और संपन्न कराने के लिए ये कार्यक्रम है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है और दिव्यांगजनों को हम अपने समाज का एक समावेशी पार्ट बनाए, भाग बनाए, दिव्यांगजनों को उनके अधिकार प्रदान करना सुनिश्चित करें। जो योजनाएं परियोजनाएं उनके लिए संचालित हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, उसको उन तक पहुंचाने के लिए समाज को, प्रशासन को जागरूक करें। इस उद्देश्य से यह प्रोग्राम आयोजित होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। उसी कड़ी में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था अपने केंद्र के माध्यम से, और यह केंद्र चूँकि भारत सरकार से संचालित है, राज्य सरकार के सहयोग से संचालित है, तो तमाम योजनाओं को इन तक पहुंचाने के लिए, उन योजनाओं के प्रति इनको जागरूक करने के लिए हमने तमाम लोगों को जोड़ करके यह प्रोग्राम आयोजित किया। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इस कार्यक्रम के अलावा एक रैली का आयोजन किया है जो समाज के बीच से होकर के निकलेगी। हमारे जो प्रशिक्षु हैं उन्होंने अपने स्लोगन्स दिव्यांगता के प्रति जागरूकता को लेकर के बनाया हुआ है, समाज में उसका प्रदर्शन करेंगे। विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित हम लोगों ने किया है और उस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिव्यांगता के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ अन्य जो गेम्स वगैरह हैं उनके साथ भी दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए एक गेम का भी आयोजन किया गया है। मैंने संपूर्ण एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश है हम लोगों के माध्यम से, ताकि दिव्यांगों के प्रति समाज संवेदनशील बने, एक समाजी समावेशी समाज का निर्माण हो और ये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपने अधिकारों को ये प्राप्त कर सकें और समाज इनको अधिकार प्राप्त करा सके, समाज भी इनको अधिकार दे सके। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। आज के दिवस पे मैं समस्त दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाली संस्थाएं, सरकारी गैर सरकारी, उनके संगठन, दिव्यांगजन, उनके अभिभावक, पुनर्वास व्यवसायियों को मैं अपना SSB प्रशिक्षण केंद्र फर्टिलाइजर के DIG ए हेमोचंद के नेतृत्व में इंदिरा बाल बिहार पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में DIG ए हेमोचंद ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए हम लोगों ने गोरखपुर शहर में स्वच्छता अभियान चला रखा है, जिससे पूरे शहर को साफ व सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा, गोलघर में कई जगहों पर कचरे को डंप करके रखा गया है, जिसको निकाल करके साफ किया गया है। हमारा प्रयास है कि ऐसे इकट्ठे कचरे को साफ किया जाए, क्योंकि लोग जहां कचरा होता है वहीं और कचरा फेंकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSB फर्टिलाइजर कैंप के DIG ए हेमोचंद ने कहा, स्वच्छता अभियान जो है एक तो कहीं समय से भारत सरकार और UP सरकार की तरफ से अभी चले हुए हैं, हम इसको कंटिन्यू आगे और बढ़ा रहे हैं कंटिन्यू होते हुए। और खासतौर पर इस बार जो होता है एक ये अभियान का एक स्वस्थ पखवाड़ा के नाम पर अभियान चलाया है। तो इस बार हमने गोलघर मार्केट क्षेत्र है इसको हमने सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि हमने पहले से देखा था कि इस क्षेत्र में कई कई जगह पे वो कचरा जो दम करके रखे हुए हैं। हमारा मकसद ये नहीं था कि पूरा शहर को साफ करें, हमारा मकसद था कि कोई पर्टिकुलर जो इलाका है जहाँ पर दम करके रखा है, इसको हमारा मैन पावर है, हमारे पास हमारा सिपाही है, वो आकर के हम इसको इकट्ठे हम लेके जाएंगे और अपना ट्रैक्टर में डालेंगे। आपने अभी देखा होगा इतना छोटा सा, आपको देखिए मुझे लगता है कि 20x20 का एक एरिया होगा, है ना, 20x20 फीट का एरिया होगा। इसमें लगभग एक ट्रॉली का है, ये मलबे है, वो हमने निकाल चुका है। उसके मतलब ये रहा कि लोगों का एक आदत है कि जहाँ भी कचरा है ऐसा आकर के कई जगह में दम करके रखूँ। साफ सुथरा तो ये है, लेकिन कई की जगह में जो दम किया हुआ है वो गलत है,
तो हम लोगों को जागरूकता देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह का आदत जो होता है ना कराया जाए। लोगों को हम ये अपील करना चाहूँगा कि ये साफ सफाई है एक दिन का काम नहीं होता, यह तो एक रेगुलरली रूटीन वाइज हमको ये कर लेना चाहिए हर आदमी को, चाहे बाजार में जितने भी लोग शॉपकीपर है उनका जितना भी कचरा है वो भी हर रोज़ या समय समय के हिसाब से इसको साफ सफाई जारी करते रहना चाहिए और कहीं भी जाकर के कोने में जाकर के दम करने का जो आदत है इसको छोड़ दिया। शासन द्वारा गोलघर रोड को सीएम ग्रेड में शामिल किया गया है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गोलघर प्रदेश का पहला रोड है जिसको सीएम ग्रेड में लिया जाएगा। उन्होंने कहा सीएम ग्रेड में शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको लागू किया जाएगा, जिसमें चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो स्मार्ट रोड पर होना चाहिए वो सभी फीचर्स गोलघर रोड पर होंगे और इंदिरा बाल विहार के फूड स्ट्रीट को डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा नगर निगम मल्टीप्लेक्स होटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बनाए जा रहे हैं जो विचाराधीन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा जो गोलघर का रोड है मेन, सबसे पहले गोलघर रोड को सीएम ग्रिड में सम्मिलित किया गया है और प्रदेश का ये पहला रोड है जिसको सीएम ग्रिड में लिया जाएगा। और सीएम ग्रिड में चूंकि एक महत्वाकांक्षी योजना है शासन की, जिसके अंतर्गत पेडेस्ट्रियन, अंडरग्राउंड सारे यूटिलिटी डक्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन और एक जो बेहतर जो मोबाइलिटी के लिए और जो स्मार्ट रोड हो सकता है वो सारे फीचर्स इस गोलघर के रोड में होंगे सीएम ग्रिड्स में। साथ ही साथ इससे लगा हुआ जो हमारा इंदिरा बाल विहार का फूड स्ट्रीट है उसको भी डेवलप करवाया जा रहा है, उसको भी बेहतर तरीके से, ताकि जो फुटफॉल हमारा काफ़ी लोग आते हैं फूड स्ट्रीट उसको बेहतर तरीके से वो करें। साथ ही साथ एक प्रपोजल है PPP मॉडल पे जो गोरखपुर नगर निगम म्यूनसिपल बॉन्ड अपना लेके आ रही है, तो उसके अंतर्गत कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स एंड होटल का एक प्रपोजल है जो कि अभी विचाराधीन है। बाकी दो प्रोजेक्ट जो हैं अपना सीएम ग्रिड्स और इंदिरा बाल विहार फूड स्ट्रीट ये स्वीकृत हो चुके हैं, इस पर कार्य जल्द ही शुरुआत की जाएगी। सर यहाँ पे ये मॉल बना है वहाँ पे दुकानदारों को क्या शिफ्ट किए गए? नहीं, अभी चूंकि ये प्रक्रियाधीन है अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी चूंकि इसका अभी डिज़ाइन वगैरह माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी जाएगा और चूंकि इसको गोलघर को हमें चूंकि इट्स अ हार्ट ऑफ द सेंटर और यहाँ पे जो हमारे व्यापारी हैं उनका व्यापार बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह ऑनलाइन ई कॉमर्स और मॉल होने की वजह से जो गोलघर के हमारे व्यापारी हैं उनका व्यापार काफ़ी घटा है। जो हमारी व्यापार एसोसिएशन के साथ गोलघर व्यापार एसोसिएशन के साथ बैठकें होती हैं तो उनमें उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, तो हम चाह रहे हैं कि गोलघर में एक तो लोगों के लिए जो कि गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण स्थल है, दूसरा हमारे व्यापारियों के लिए व्यापार बढ़ना चाहिए, तो उसमें पूरा प्रपोजल इसलिए है कि और हमने एक सर्वे भी कराया जिसमें इन सब सुविधाओं के बन जाने से लगभग व्यापार 4 से 5 गुना बढ़ेगा, तो हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए, हमारे गोरखपुर वासियों के लिए और हमारे सभी नगर वासियों के लिए एक बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगम कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस पर कार्य किया जा रहा है और सीएम ग्रिड्स और इंदिरा बाल विहार फूड स्ट्रीट में प्रोजेक्ट सैंक्शन हो चुके हैं। गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS से अब तक यूपी को मिले 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इस निवेश प्रस्तावों को लाने के लिए यूपी की छवि सुधारनी पड़ी, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाना पड़ा, नीतियां बनानी पड़ी और कई तरह के रिफॉर्म करने पड़े। आपको बता दें सीएम योगी रविवार को गोरखपुर के राजेंद्र नगर में रिगालिया रिजॉर्ट एवं बैंकेट हॉल का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले यूपी निवेश की बात तो दूर, बाहर के लोग गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के नाम पर यहां के लोगों को होटल धर्मशाला में कमरा नहीं देते थे, टैक्सी में नहीं बैठाया जाता था। 6 वर्ष पूर्व चंद लोगों के गलत होने से पूरे प्रदेश की बदनामी थी। आज गोरखपुर और यूपी के लोगों को बाहर न केवल भरपूर सम्मान मिलता है बल्कि सिर आंखों पर बैठाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धारणा का परिवर्तन के लिए सरकार को संकल्पबद्ध होकर ईमानदारी से प्रयास करना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि देश में पहले भी कई जगहों पर इन्वेस्टर समिट हो चुके हैं लेकिन तब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलते थे, जबकि यूपी को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसके जरिए 1.10 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बाहर के लोग यहाँ आकर नौकरी और रोजगार के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया में बने रहते हुए इसे और तेज करने के लिए समय के अनुरूप चलना होगा। यदि हम समयानुकूल अच्छी सुविधा देने में विफल होगा
गए तो क्षेत्र के विकास में लगकर रोजगार सृजन करने वाला पैसा बाहर चला जाता है। क्षेत्र के विकास में पैसे का प्रवाह बाधित ना हो, इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करने वालों का सहयोग करना चाहिए। जब हर व्यक्ति विकास में सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाता है तो उसका लाभ क्षेत्र से लेकर देश तक को मिलता है। इस अवसर पर रिगालिया रिजॉर्ट के संचालक एवं भरोहिया ब्लॉक के प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, नगर निगम के उपसभापति धर्मदेव चौहान, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, कमलेश सिंह, अखिलेश सिंह, अभिषेक तिवारी, सुरेंद्र सिंह, बैजनाथ तिवारी आदि मौजूद रहे। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। आज लोग अच्छी सुविधा चाहते हैं। जब हम सुविधा अच्छी देने में विफल होते हैं तो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाने का मतलब जो पैसा इस सिटी में खर्च होना है, जिस पैसे से गोरखपुर के तमाम लोगों को रोजगार सृजन होना है, जिस पैसे से यहाँ के विकास की संभावनाएं आगे बढ़नी है, वो सब पैसे के फ्लो को बाधित कर देना है। और इसीलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए कि विकास कहीं से भी हो, अगर ईमानदारी से कोई विकास के कार्यों में रुचि ले रहा है तो हम उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिस भी भूमिका में हो हम उसको एक नागरिक के रूप में अपना सपोर्ट करें। पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद चार राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा की भारी जीत देखने को मिल रही है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इस संबंध में अब पार्टी की ओर से जीत का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। भाजपा के सभी नेताओं की अब इस जीत को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पीएम को जीत की बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में चार राज्यों के चुनाव परिणामों में तीन राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी की एक बार फिर जीत को लेकर सीएम योगी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को विराट विजय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मोहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है, उनके डेवलपमेंट के मॉडल को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को और भारत की छवि को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के उनके प्रयासों को हर एक स्तर पर पब्लिक ने स्वीकारा है। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो भारी बहुमत से इन राज्यों में भी सफलता प्राप्त हुई है, कांग्रेस को जनता ने मात दी है। ये चीज़ें दिखाती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
देश की जनता तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लेकर के आएगी। आज के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सफलता तीनों राज्यों में प्राप्त हुई है, इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों में जुड़े हुए जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, उन संबंधित राज्यों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। इन शानदार विजय के लिए संबंधित राज्यों के नेतृत्व को। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा कराएं, साथ ही प्रदेश में राजमार्ग क्षमता का विस्तार करते हुए 4 लेन को 6 लेन में विस्तारित करें, सुरक्षा और जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजमार्ग पर हर किलोमीटर के अंतराल पर CC कैमरे लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले मेला को देखते हुए प्रयागराज से जुड़ी NHAI की परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए सभी कार्य नवंबर 2024 तक हर हाल में पूरा कर लेने के साथ ही अयोध्या क्षेत्र के कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश रविवार शाम गोरखपुर के NXC भवन के सभागार में NHAI की UP में चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान दिए। समीक्षा बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह भी मौजूद थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जारी NHAI की परियोजनाओं की सिलसिलेवार समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी विश्व स्तरीय हुई है, इसे निरंतर गति देते हुए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में कुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होना है, लाखों की संख्या में यहां लोग पहुंचेंगे, सुलभ और सहज आवागमन के लिए रोड कनेक्टिविटी को और शानदार करना है। इसके लिए NHAI प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता पर रखते हुए समय सीमा के भीतर पूर्ण करा लें, सभी कार्य किसी भी दशा में नवंबर 2024 तक पूरे हो जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज में शंकर मंडपम मंदिर से त्रिवेणी तक रोपवे बनाने के लिए कार्ययोजना तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में NHAI की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जनवरी 2024 में श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, इसके बाद देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसे देखते हुए अयोध्या की परियोजनाओं को और तीव्र करने की ज़रूरत है। गोरखपुर वाराणसी सोनौली गोरखपुर और गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट बाईपास की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने NHAI के अफसरों से मार्च 2024 तक गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग का कार्य पूर्ण करने के साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जाँच करने का निर्देश दिया। कहा कि यदि गुणवत्ता में कोई खामी मिले तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी की जाए, सोनौली गोरखपुर राजमार्ग के कार्य में और तेजी लाई जाए। CM योगी ने लखनऊ कानपुर वाराणसी मथुरा आगरा बरेली मेरठ में चल रही NHAI की परियोजनाओं की भी गहन समीक्षा कर तेजी से काम करने की हिदायत दी है। बैठक में NHAI की तरफ से बताई गई कुछ परेशानियों को मुख्यमंत्री ने तत्परता से दूर करने का आश्वासन दिया। गोरखपुर में NHAI के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा में फ्लाईओवर बनाने का निर्देश दिया है, इससे सहजनवा कस्बे में होने वाले जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लाईओवर को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी सहयोग करेंगे। बैठक में NHAI के चेयरमैन संतोष यादव ने प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, कई विधायकगण, प्रमुख सचिव PWD अजय चौहान समेत कई अधिकारी व्यक्ति मौजूद रहे, जबकि कई जिलों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा बैठक थी। उत्तर प्रदेश मैं देश से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका एक बहुत अच्छा संजाल है। 1,92,000 यानी 1,12,000 का वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, और जो कार्य चल रहे हैं और
प्रस्तावित हैं इन सबको अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 2 लाख किलोमीटर से अधिक एक नया नेटवर्क नेशनल हाईवे का उत्तर प्रदेश के अंदर हमें आगामी कुछ वर्षों के अंदर देखने को मिलेगा। इस अवसर पर आज इन सभी कार्यों की समीक्षा हुई, कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने, कार्य की क्वालिटी को लेकर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और स्टेट से संबंधित जो भी इशू हैं सभी जिलाधिकारियों से भी ये कहा गया कि वे समयबद्ध तरीके से उनका समाधान निकालें, जिससे डेवलपमेंट से जुड़े हुए किसी भी इशू पर कहीं भी कोई बाधा ना आने पाए। और बड़ी सार्थक बैठक थी, इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी, उत्तर प्रदेश से सड़क से जुड़े हुए अधिकारीगण भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सभी लोग फिजिकली भी और वर्चुअली भी जुड़े हुए थे। ये सभी कार्यक्रम, ये बैठक आज यहाँ पे महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें गोरखपुर में सैजनवा में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाने की बात हुई है, गोरखपुर का उत्तरी रिंग रोड बनाने की भी चर्चा हुई है, और 2 अन्य जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं गोरखपुर से जुड़े हुए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए और गोरखपुर से एक शामली के लिए, ये सभी मार्गों की भी चर्चा आज यहाँ पे हुई है, जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को और देश की जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनसे अच्छी कनेक्टिविटी और बेहतरीन कनेक्टिविटी देने में सफल होंगे, और प्रधानमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का विजन है इसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर और भी प्रभावी ढंग से उतारने में मदद को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो उन्होंने सफलता दिखाई है उसके अंदर सबका योगदान बहुत बढ़िया रहा है, हमारे नेतृत्व का योगदान उसमें बहुत बढ़िया रहा है, और ये जीत तभी संभव हुई है जब इन सबका मिलन इकट्ठा हुआ है। तो उन सबको बधाई, आप लोगों को बधाई कि भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छे तरीके से